नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ऐसा क्यों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ डीसी मोटर के बारे में। वैसे तो दोस्तों आप डीसी मोटर से बिल्कुल वाकिफ हैं, क्योंकि आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और वहीं इनका यूज हमने इंडस्ट्रीज में देखा है। दोस्तों अगर मैं डीसी मोटर को डिफाइन करूं तो आसान शब्दों में ये कहूंगा कि डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेटरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब ये सब होता कैसे है, तो इस वीडियो में हमने डीसी मोटर के प्रिंसिपल और इसके कंस्ट्रक्शन को बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाया है। तो चलिए समझते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल को। वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि काफी आसान हो जाएगा डीसी मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल समझने में। सबसे पहले बात करूंगा कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराया जाता है तो उसके अराउंड चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पर। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कॉइल अराउंड कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। कहने का मतलब यह है कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसके मैं दो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास लाया जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। जाहिर सी बात है कि ये डिफ्लेक्शन करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। वहीं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो सोलेनाइड है। सोलेनाइड क्या है? सोलेनाइड में होता क्या है कि सोलेनाइड एक लॉन्ग कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ क्लोज टर्न होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, और जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाते हैं, और सोलेनाइड की मैग्नेटिज्म बढ़ाने के लिए इस कॉइल के बीच में आयरन सॉफ्ट आयरन रॉड का इस्तेमाल करते हैं। आयरन रॉड के चारों तरफ एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया जाता है, और जब सप्लाई दी जाती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसमें बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, और इसका यूज इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे हैवी आयरन ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इस टेम्परेरी मैग्नेट का यूज किया जाता है। इससे हमें ये समझ में आ गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो उसके जो चार्ज पार्टिकल होते हैं फ्री जैसे इलेक्ट्रॉन, उनके मूवमेंट की वजह से उन पर फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस लॉ। इसको अगर मैं आसान शब्दों में समझाना चाहूं तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो जब वो करंट कैरिंग कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, जिस वजह से उस कंडक्टर में मूवमेंट होता है। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स एग्जर्ट करता है उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड के हम इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं जिसमें थंब फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, वहीं इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, और मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को दर्शाता है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ए पॉइंट से बी की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, वहीं अगर बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर बी से सी की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। इसमें एक खास बात जानने लायक है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर मैक्सिमम फोर्स जब लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करेंगी कट करेंगी। इससे हमें ये समझ में आ गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आने
आने से फोर्स एग्जर्ट करता है और इसी के बेसिस पर डीसी मोटर को कंस्ट्रक्ट किया गया। चलिए अब डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डीसी मोटर का इंटरनल पार्ट है। आप इसमें आउटर पार्ट है जो उसको योक या स्टेटर कहते हैं, वहीं जो आर्मेचर है ये रोटेटरी पार्ट है, इसी में कॉइल की वाइंडिंग होती है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं जो फील्ड वाइंडिंग है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के माध्यम से प्रोड्यूस की जा रही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल को मैग्नेट की तरह बिहेव कराया जा सकता है, और इसकी जगह हम परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। जो फील्ड वाइंडिंग है उनको बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई दी गई है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आर्मेचर के ऊपर कुछ सर्कल्स बने हुए हैं चारों तरफ। अब कुछ सर्कल्स में पॉजिटिव साइन है, वहीं कुछ सर्कल में डॉट। तो ये पॉजिटिव साइन इसलिए हैं और डॉट इसलिए हैं, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं। पॉजिटिव साइन वालों की डायरेक्शन मान लीजिए कि फॉरवर्ड है, वहीं जो डॉट वाले हैं उनकी डायरेक्शन उसके बिल्कुल विपरीत है, रिवर्स है। अब जो वाइंडिंग है उनकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल में पॉजिटिव साइन वाली है, वहीं साउथ पोल में डॉट। अब ये डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अलग अलग क्यों है? करंट की डायरेक्शन अलग अलग इसलिए है ताकि जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो रोटेटरी फोर्स लग सके। अब इस डायग्राम में देख रहे हैं जो नॉर्थ पोल है वो आर्मेचर के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि डाउनवर्ड ए डायरेक्शन में है, वहीं जो साउथ पोल है वो आर्मेचर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो डायरेक्शन बी की तरफ है। कॉइल की डायरेक्शन को कम्यूटेटर के माध्यम से चेंज किया जाता है और कम्यूटेटर इसमें भी हेल्प करता है कि वो फील्ड वाइंडिंग से कंडक्टर को मैक्सिमम 90 डिग्री पे कट कर सके। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर करंट की डायरेक्शन को मान लो चेंज नहीं करा जाए, कि सबको पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में रखा जाए या सबको डॉट वाली डायरेक्शन में रखा जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन वाली में रखते हैं, तब होगा ये कि जो नॉर्थ पोल है वो आर्मेचर को ए डायरेक्शन में डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा और जो साउथ पोल है वो आर्मेचर को ऊपर की तरफ ए डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस वजह से आर्मेचर में जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा और आर्मेचर में रोटेटरी मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस होगा, वो केवल वहीं पे फिक्स रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि आर्मेचर में जो कॉइल्स होती हैं उनकी करंट डायरेक्शन उस तरीके से एडजस्ट की जाती है ताकि रोटेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके। ये सब कम्यूटेटर के माध्यम से किया जाता है। इसको और आसानी से समझने के लिए एक सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर को का एग्जांपल लेकर हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी सी डी जो कि बैटरी से कनेक्टेड है ब्रश के माध्यम से। चले समझते हैं, जब पावर सप्लाई ऑन कर दिया जाता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ब्रश से होता हुआ कम्यूटेटर के माध्यम से करंट ए से बी पॉइंट की तरफ मूव करता है। तो इसमें जो नॉर्थ पोल है वो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कंडक्टर ए बी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है जो कि डाउनवर्ड मोशन प्रोड्यूस करता है, और जो करंट सी और डी लोकेशन में है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है और जो कि अपवर्ड मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। सी और डी कंडक्टर की लोकेशन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो बिल्कुल रिवर्स है ए और बी लोकेशन वाले कंडक्टर की करंट जो फ्लो कर रही है। जब कंडक्टर बिल्कुल वर्टिकल पोजिशन पे पहुंचता है तो उस समय कंडक्टर पर बिल्कुल भी करंट नहीं फ्लो कर रही होती क्योंकि कम्यूटेटर बीच से ज्वाइंट नहीं है। तो क्या उस दौरान मोशन होना चाहिए? क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी इतना फोर्स होता है कि वो आगे मूव कर जाता है और कंडक्टर का सेक्शन डी सी नॉर्थ साइड में पहुंच जाते हैं और डी सी की करंट की जो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन पर पहुंचने के बाद कंडक्टर का डीसी पोर्शन की करंट डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ए बी साउथ डायरेक्शन पर
पहुंच जाता है उसकी भी करंट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये सब होता किसके माध्यम से है? कम्यूटेटर के माध्यम से, क्योंकि कम्यूटेटर बीच से ज्वाइंट नहीं है, इसको इस तरीके से बनाया गया है। और ब्रश के माध्यम से इसमें पावर सप्लाई होती है और ये इसके ऊपर से स्लिप करता हुआ रोटेट करता है। कहने का मतलब ये है कि रोटेशन के दौरान कंडक्टर की पोलैरिटी चेंज होती रहती है कम्यूटेटर के माध्यम से, जिस वजह से एक रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, और जब तक इसमें करंट रहता है ये रोटेटरी इफेक्ट कंटिन्यू रहता है और कंडक्टर कंटिन्यू मूव करता है। देखा जाए तो मोटर में ऐसे ही बहुत सारे कंडक्टर होते हैं और जिनकी करंट की पोलैरिटी कम्यूटेटर से ऐसी एडजस्ट की जाती है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक रोटेटरी इफेक्ट बना रहे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि डीसी मोटर कैसे काम करती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।